हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर डिटेल के एक और एपिसोड में। आज बात करेंगे वाल्वी रिटर्न की कुछ ऐसी डिटेल्स के बारे में जो आपको ना बताऊंगी। बिना थॉर का हथौड़ा उठाए चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अपनी बस की बात नहीं। आप सबका एक सवाल होगा कि रानी परी वाल्वी रिटर्न में क्यों नहीं है। वाल्वी के फर्स्ट सीजन में वाल्वी एक नॉर्मल बच्चा था जिसे पावर दी गई थी। जब ज्यादा पावर मिल जाती है तो वो औकात से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। घमंड सिर चढ़ के बोलता है, तभी तो विलन बन जाते हैं। इसलिए वाल्वी को काबू करने के लिए वाल्वी के फर्स्ट सीजन में रानी परी थी। वाल्वी रिटर्न में वाल्वी एक फाइटर है, उसको काफी लंबे टाइम हो चुका है उसे पावर का यूज करते हुए। अब वो एक साइड कैरेक्टर नहीं रहा, वो लीड में है। पहले भी लीड में था, लेकिन उस टाइम सबसे ज्यादा पावरफुल रानी परी थी। अब वाल्वी अच्छा अच्छा हिला सकता है बिल्कुल, इसलिए वाल्वी रिटर्न में रानी परी नहीं है, उसकी जगह सौर बाल परी बड़े वाल्वी ने जगह ले ली है। आपके दिमाग में एक और सवाल आता होगा कि वाल्वी की सब पुरानी परियां कहाँ हैं बाल परी को छोड़कर। जब वाल्वी के फर्स्ट सीजन का अंत हुआ था तो सब कुछ ठीक था, सब परियां भी ठीक थी। वाल्वी रिटर्न की शुरुआत में ही आधी ज्यादा परियां मारी गई, शायद उन्हीं में सारी परियां मारी जा चुकी हैं पुरानी। या ऐसा भी हो सकता है कि सारी पुरानी परियां किसी दूसरी जगह की बुराई से लड़ते हो, इसलिए वाल्वी रिटर्न में ना दिखाई देते हो, एक एक करके वापस आ जाए। तीसरा सवाल है, वाल्वी रिटर्न में वाल्वी महर मानव और अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहता। ऐसा हो सकता है कि वो सब पूरा परिवार परिलोक में रहता हो और शुरुआत में ही जो फाइट में मरे थे लोग उनमें से वाल्वी का परिवार भी हो। या ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टर के पास ज्यादा पैसा ना हो इसलिए वो पुराने कैरेक्टर को ना लाया। हैशटैग भिखारी है। वाल्वी रिटर्न में वाल्वी के पास जादू डंड क्यों नहीं है। वाल्वी के फर्स्ट सीजन में तो था उसके पास जादू डंड। वाल्वी के कई एपिसोड में दिखाया गया है कि यदि कोई बुरी परी वाल्वी का जादू डंड छीन लेती है तो वाल्वी के पास बिल्कुल पावर नहीं रहती, वो जादू डंड से बुरी परी भी जादू कर सकती है, यह दिखाई दे चुका है। इसलिए वाल्वी के फर्स्ट सीजन के तहत वाल्वी रिटर्न में उसके पास जादू डंड नहीं है।